हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल डिस्कस विद यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर योर एग्जाम डे फॉर सीसेट, राइट। सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए फाइटिंग स्प्रिट, राइट। बोथ गर्ल्स एंड बॉयज नीड ए फाइटिंग स्प्रिट। और आपकी फाइट आपस में नहीं है, आपकी फाइट यूपीएससी से है, ठीक है। तो इट्स लाइक यूपीएससी आपको बोल रहा है आपको आईएएस बनना है, तो लो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो आपको उसको एज ए चैलेंज लेना है और आपको फाइटिंग स्प्रिट रखनी है, बिकॉज यू आर ए वैरियर। तो ये लड़ाई है और यहाँ पे आपको जीतेगा वही, कौन जीतेगा इस लड़ाई में, इस लड़ाई में वही जीतेगा जो वो जो क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है उनको सॉल्व कर पाएगा, राइट। तो मैं यहाँ आपसे डिस्कस करूंगा कि सीसेट पेपर के लिए, आफ्टर आपका जब जीएस का पहला पेपर हो जाएगा उसके बाद जो 11:30 से 2:30 बजे तक का टाइम है आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, और फिर 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक के बीच में आपको किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस हेयर वन बाई वन, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, देखो हाउ टू यूज टाइम फ्रॉम 11:30 to 2:30, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें सबसे पहले आपको देखिए क्या होगा कि आपका जो माइंड एंड बॉडी है दैट विल बी एग्जॉस्टेड टोटली, राइट। बिकॉज आपने बहुत सारे क्वेश्चंस वहां पे देखे हैं, बहुत सारे आपको नहीं आए होंगे, पेपर कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया है, तो आप पे बहुत ज्यादा फटी होगा मेंटल एंड फिजिकल, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आते ही कुछ लाइट फूड लेना है और आपको हाइड्रेटेड रहना है। सो हाइड्रेटेड रहने के लिए वाटर ले सकते हैं, ग्लूकोज ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और हाइड्रेटेड रहने का ध्यान तो आपको एग्जाम टाइम पे भी रखना है, राइट। तो ये वाला टाइम आपको कैसे यूटिलाइज करना है, जैसे ही आप एग्जाम सेंटर से बाहर आते हैं आप कुछ लाइट कुछ खाइए, ठीक है। और इसके लिए एक चीज मैं बहुत बोलूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप पेपर वन के डिस्कशन में बिल्कुल मत पढ़िए, ठीक है। कि वो पेपर आपका कैसा गया, ना तो आप किसी फ्रेंड से डिस्कस करिए ये, ठीक है, ना फैमिली मेम्बर से डिस्कस करिए कि पेपर कैसा गया, और खुद भी मत सोचिए कि ये पेपर आपका कैसा गया। आपका बस ये होना चाहिए कि मैंने एक लड़ाई लड़ रही है, अब मुझे दूसरी लड़ाई लड़नी है, ठीक है। तो आपका फोकस दूसरी लड़ाई पे होना चाहिए, ना कि आप पहली लड़ाई के बारे में सोचो कि अच्छा हुआ बुरा हुआ, मेरा तो नहीं होगा, मुझे छोड़ देना चाहिए, ये सब कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए। आ भी रहा है तो उसको डील नहीं करना है, आपको आगे जो आपका सीसेट का पेपर है उस पर ध्यान देना है। और किसी के भी साथ अननेसेसरी आर्गूमेंट में आपको नहीं उलझना है, ना तो फैमिली के साथ ना फ्रेंड्स के साथ। नॉर्मली मैंने देखा है लोग बाग मोबाइल्स पे रील्स देखने लग जाते हैं, फ़ोन करते हैं अपने फ्रेंड्स को, उसके साथ पेपर डिस्कस करते हैं, तो ये चीज़ें इट्स बेटर इफ़ यू अवॉइड, राइट। अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी के साथ कोई लड़ाई या डिस्प्यूट में नहीं पड़ना है, और आप थोड़ा रेस्ट लीजिए ताकि आपका जो फटीग है मेंटल एंड बॉडी का उसको आप कम कर पाएँ, ठीक है, और आप दोबारा से रिजुविनेट हो पाएँ एग्ज़ाम के लिए। उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि आप थोड़ा सा वॉक करिए, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। जैसे 2:30 बजे एग्ज़ाम होगा तो अराउंड 1 o'clock, 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच में आपको थोड़ा सा क्या करना है, वॉक करिए। इससे क्या होगा, आप एक्टिव फील करेंगे, आपने जो कुछ खाया है वो आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसी पीरियड में आपको क्या करना है, आपने जो अपने कोई नोट्स बना रखे हैं सीसेट से रिलेटेड, जिसमें आप फॉर्मूला रिवाइज कर पाएँ, ठीक है, कोई मेथड है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या कोई ट्रिकी क्वेश्चन है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिवाइज कर लेनी है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा आपको करनी है, ये आपको काम करना है 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में, बिकॉज मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप 2 बजे एग्जाम हॉल में एंटर कर जाएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, एक इंग्लिश के पैसेज को सॉल्व करिए, एक क्वांट का कोई क्वेश्चन सॉल्व करिए, और एक रीजनिंग का क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे क्या होगा कि आप सीसेट के पेपर के लिए वार्म अप हो जाएंगे, आपका माइंड थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा नंबर्स से खेलने के लिए, राइट, इंग्लिश पढ़ने के लिए। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ये आपको हर कीमत पर करना है। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, आप ईजी क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करिए, ठीक है, कोई भी ईजी पैसेज को सॉल्व करिए, कोई भी रीजनिंग का ईजी क्वेश्चन करिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा नैप ले सकते हैं, राइट, 15 मिनट से ½ आवर का, वो भी बहुत अच्छा रहता है काफ़ी लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा नहीं रहता, सो दे कैन अवॉइड दैट, पर रेस्ट करिए। और जनरली एग्जाम सेंटर्स में नॉर्मली रुकना कहीं पर अलाउ नहीं होता है, तो आप कहीं आसपास में किसी शॉप में बैठ जाइए, पर किसी अच्छी जगह पर देख के बैठिए, बाहर धूप में खड़े नहीं होना है, उससे आपकी एनर्जी और ज़्यादा ड्रेन होगी, ठीक है। अगर कोई मेट्रो स्टेशन पास में है या कुछ और जहाँ पर आप आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, ये जो आपको टाइम है ये आपको वहाँ पे स्पेंड करना है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओके। अब देखिए एग्जाम हॉल में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सी, हर क्वेश्चन जो भी आएगा, अगर वो क्वेश्चन आपसे हो जाता है सो इट विल ऐड फीदर इन योर कैप, राइट। अगर वो आपको नहीं आता तो वॉट इट विल डू, यू विल फील निगेटिव और वाउंडेड, और इट विल मेक यू ब्लीड, राइट। तो आपके अंदर उस समय इतना मेंटल टफनेस रखना है, पेशेंस रखना है, ठीक है। और जो नेगेटिव थॉट आएंगे, जैसे आपने कोई हार्ड क्वेश्चन देखा, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट फील कि अब तो मेरा नहीं होगा, ठीक है, तो ये जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं इनको कंट्रोल करना है, राइट, क्योंकि देखो आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चंस तो करने नहीं है, ओके, आपको सिर्फ दिस इज ए, आपको इस एग्जाम में सिर्फ पास होना है, ठीक है, तो उसी पे फोकस रखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए आपको सारे एरियाज को कवर करने का कोशिश करना है, किसी भी एक सेक्शन पे या एक एरिया पे फोकस नहीं करना है, सारे सेक्शंस के जितने भी ईजी क्वेश्चन है हर सेक्शन में वो आपको ज़रूर करने हैं, वो आपके मिस नहीं होने चाहिए।
तो आपको यहाँ पे टारगेट रखना है कि आप 45 टू 50 क्वेश्चंस आपके हो जाए एग्जाम में, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और इसमें आपको एक्यूरेसी 80% तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, 80% एक्यूरेसी का टारगेट होना चाहिए। तो अगर आप देखें इतने क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास 120 मिनट्स हैं, तो आपको अराउंड 2.5 मिनट एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मिल रहा है। सो ये बहुत सफिशियंट टाइम है, राइट। तो आप देखिए इसमें अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे आपके पास 2 आवर्स हैं तो आप 2 आवर्स में हाफ एन आवर के टास्क स्लॉट बना सकते हैं, ठीक है। ये देखो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से पेपर को करना चाहते हैं, पर नॉर्मली क्या है कि अगर हाफ एन आवर का आप, जैसे हाफ एन आवर आप आरसी में दीजिए, हाफ एन आवर आप क्वांट करिए, हाफ एन आवर आप रीजनिंग करिए, और जो लास्ट का हाफ एन आवर बचेगा उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो जो टफ क्वेश्चन है हर सेक्शन के एक बार और गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पेपर के 2 इटरेशन हो जाएंगे, ओके। नाउ मैनी स्टूडेंट आस्क मी लाइक सर हम कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, फ्रॉम विच सेक्शन वी शुड स्टार्ट। सो देखिए जिस भी सेक्शन में आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जैसे बहुत सारे लोगों का आरसी स्ट्रांग होता है तो उनको आरसी से स्टार्ट करना है, बहुत सारे लोगों का क्वांट स्ट्रांग होता है तो उनको क्वांट से ही स्टार्ट करना है, और बहुत सारे लोग फील करते हैं कि सर मेरा रीजनिंग अच्छा है तो वो रीजनिंग से स्टार्ट करिए। अगर आप सोचते हैं कि मेरे सर तीनों ही अच्छे हैं तो आप कोई भी एक सेक्शन ले सकते हैं, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। पर पहला क्वेश्चन आप ये देखिए कि वो ऐसा हो कि आप उस सेक्शन से करें जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। और अगर आपसे क्वेश्चन वो हो रहा है 1 मिनट के अंदर, ठीक है, तो इसमें नॉर्मली एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये कैसे पता करेंगे इजी क्वेश्चन कौन सा है, हार्ड क्वेश्चन कौन सा है। तो पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपसे वो 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन हो जा रहा है, ठीक है, या एक नहीं थोड़ा सा और 1.5 मिनट मान लीजिए अगर इसमें हो जा रहा है तो बेटर है, अगर नहीं हो रहा तो उस पर उसको टिक कर दीजिए, राउंड कर दीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, ठीक है। उसमें टाइम स्पेंड नहीं करना है, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है। तो अब व्हाट आर द चैलेंजेस नॉर्मली स्टूडेंट फेस के, सर हम उसमें से जैसे हम क्वांट सपोज कर रहे हैं तो पहले क्वांट के उसमें से सर्च करें, या जैसे ही उसमें सीक्वेंस दिए हैं उस सीक्वेंस में जाएं। सो देखिए ये इंडिविजुअल अप्रोच है, बहुत सारे लोग जैसे क्वेश्चंस में पेपर में आए हुए हैं उस हिसाब से जाते हैं तो भी अच्छा है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या सूट करता है कि सर हम पहले सपोज करो क्वांट के जो क्वेश्चंस है उसमें से पेपर में से देखेंगे क्वांट के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ पे और उनको टारगेट करेंगे, ठीक है, या रीजनिंग के टारगेट करेंगे, या आरसी के जो क्वेश्चन है पहले उनको टारगेट करेंगे, या आप जिस ऑर्डर में पेपर में दिए हुए हैं उस ऑर्डर में करिए। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, कि आपको कौन सी अप्रोच ज़्यादा सूट करती है। जो भी आपको अप्रोच सूट करती है, जो भी आपने अभी तक मॉक टेस्ट में देखा होगा आपको सूट करती है, आप उसी पे स्टिक रहिए, ठीक है। पर टाइम स्लॉट हाफ एन आवर का रखिए हमेशा, क्योंकि हाफ एन आवर के बाद आप क्या है एक बार चेक करिए कि आपने कितने क्वेश्चंस करे हैं, राइट, हाफ एन आवर के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो पाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, देखिए देखने में ही लेंथी लगते हैं, अगर वो देखने में लेंथी लग रहा है आपको, ठीक है, तो वो समझने में भी हो सकता है आपको थोड़ा ट्रिकी लगे, तो आप उसको राउंड करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज ट्रिकी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत बार 2 बार आप पढ़ सकते हैं उसको, उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, फिर इस पे हम बाद में आ जाएंगे सेकंड इटरेशन में, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट का सर ये भी डाउट रहता है कि सर हम जो क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो जो लास्ट में स्पेस दिया है वहाँ पे सॉल्व करें कि जहाँ पे क्वेश्चन के आसपास ही सॉल्व करें, तो क्वेश्चन के आसपास सॉल्व करना अच्छा होता है अगर कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है। अगर कैलकुलेशन ज़्यादा है तो इनिशियल पेजेस जो दिए रहते हैं रफ वर्क के लिए वहाँ पे करिए, या जो लास्ट में पेजेस दिए रहते हैं वहाँ पे करिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है सी सेट के पेपर के लिए, वो है आपका माइंड बहुत कूल एंड काम होना, क्योंकि अगर आपका माइंड कूल एंड काम ही नहीं रहेगा तो आपको क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा, आपसे वो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है, फिर आपको वो समझना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, माइंड बहुत कूल एंड काम होना चाहिए। और देखिए सी सेट का पेपर बहुत आसान होता है, इसमें सिर्फ हमें क्वालिफाइंग पेपर है, इससे कोई रैंक नहीं आएगी, तो ये सब चीज़ें माइंड में रखिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है क्वेश्चन को देख के, अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं तब भी पैनिक नहीं होना है, अगर आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तब भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और अगर आपने कहीं पे कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है तो आप देखेंगे आपका आंसर जो ऑप्शन है उससे डिफर कर रहा है, तो इसमें नॉर्मली आदमी पैनिक हो जाता है, आपको पैनिक नहीं होना है, आराम से उसको सॉल्व करना है। और देखिए दिस पेपर इज ऑल अबाउट स्मार्टनेस, तो आपको इसमें स्मार्टनेस भी रखनी है काफ़ी, कि किस तरीके से हम स्मार्टली इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस में, ठीक है, तो आप ऑप्शन से देखिए अगर वो क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहा है, राइट, या आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। इंग्लिश में आरसी में तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस में भी आप आरसी ये टेक्निक एलिमिनेशन वाली टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चंस को पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कई बार लास्ट डिजिट अगर आपको पता लग गई तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं किसमें लास्ट डिजिट मैच हो रही है, अगर 2 ऑप्शन से हो रही है तो 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्मार्टली उसको करना है, और सबसे पहले आपको फोकस करना है जो इजी क्वेश्चन है वो आपके नहीं छूटने चाहिए 3 सेक्शन में से, वो आपको ज़रूर करने हैं। तो आप लोगों ने सबने मेरे वीडियोज़ देखे होंगे तो हमने ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर किया है, पूरा प्रोसेस बताया है कैसे अप्रोच करना है,
तो अगर आप वो अप्रोच फॉलो करोगे तो आप देखोगे आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली वहां पे हैंडल कर पाओगे। देखो 2.5 मिनट आपको मिल रहा है एक क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, ये बहुत सफिशियंट टाइम है। अभी आपने जितना भी कर लिया है आप अपनी उस तैयारी पे पूरा विश्वास रखिए, और आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास रखना है। एग्जाम से पहले आपको अपने ऊपर ये बिलीव होना चाहिए कि मैं ये कर लूंगा। आपको अपने आप से ये चीज बोलनी है कि ये मेरा हो जाएगा, चाहे आपका मन आपको बोले आपकी तैयारी नहीं हुई है, आपने ये प्रैक्टिस नहीं किया है, आपने ये मॉक टेस्ट नहीं किया है, तो आप उसको फिर भी बोलिए जो भी हो मेरा इस बार हो जाएगा, ठीक है। ये बोलना अपने आप से बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास ये आपको कराएगा। तो अगर आपका अपने ऊपर विश्वास होगा तो आपके लिए जर्नी बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और एग्जाम के बाद आप सब लोग मुझे बताना कि आपका पेपर कैसा गया। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।